बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और ये कपिल वस्तु के निकट लुम्बन और लुम्बिनी, ठीक है ध्यान रखना, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और जो अभी जो लुम्बिनी जगह है ये पड़ती है आपका नेपाल में, जगह पड़ती है तो इसका ध्यान रखना खास बात है, ठीक है नेपाल में जगह पड़ती है लुम्बिनी, बहुत अच्छी जगह है। इनके बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। यहाँ पे खास तौर पे एक बात ध्यान रखना, लुम्बिनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये काफी पूछा था एग्जाम में। पिता का नाम शुद्धोधन था जो वर्जित संघ में शाक्य वंश के प्रमुख हुआ करते थे और माता महामाया कौशल्य की राजकुमारी थी। जन्म के समय माता की मृत्यु हो गई थी। पालन पोषण जो किया वो उनकी मौसी ने किया, जिनका जो प्रजापति गौतमी थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। विवाह जो हुआ वो यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ, ठीक। तो एक बात ध्यान रखेगा, कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माँ के और जो विवाहित जो स्त्री थी यानी कि जो इनकी पत्नी थी उसके नाम से, पत्नी का नाम है यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल। अपने सारथी चरण के साथ नगर भ्रमण में एक जर्द वृद्ध यानी कि एक वृद्ध औरत देखी इन्होंने और एक दुखी एक व्यक्ति देखा जिसे रोग था एक, और एक इन्होंने शव देखा यानी कि एक लाश देखी, जो थोड़ा लाश उसको शव बोलते हैं वो देखा, और उसे देख करके एकदम से भावुक हो गए, अचंभे में पड़ गए कि भाई ऐसा क्या हुआ इनके साथ में जो इनकी इस प्रकार से हालत हो गई या फिर इस प्रकार की भी कंडीशनें होती हैं। क्योंकि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के साथ ही जो ऋषि थे, ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये व्यक्ति जो है ये गृह त्याग कर देगा और बहुत ही बड़ा ज्ञानी बनेगा, ठीक है। लेकिन इनके पिता को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा वंश आगे बढ़ाएगा और मेरे वंश को आगे ले जाएगा, मेरे राजपाट को आगे ले जाएगा। इसी वजह से इनका जो पालन पोषण किया गया वो घर के अंदर ही किया गया, मैक्सिमम चीजें घर के अंदर हुई। लेकिन जब वो राजगद्दी संभालने से पहले बाहर निकले और उन्होंने दुनिया को जानना चाहा, तब उनको इस विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई देती थी कि लोग वृद्ध भी होते हैं, लोग दुखी क्यों होते हैं, लोग मरते क्यों हैं, ये सब चीजें इन्होंने देखी। और इन सब चीजों भावुक होकर के 29 वर्ष की आयु में रात में इन्होंने गृह त्याग करने का जो निर्णय लिया और इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखना महाभिनिष्क्रमण। तो ये जो शब्द है महाभिनिष्क्रमण ये है गृह त्याग का, और इसे एक और शब्द आता है जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है वो भी मैं बताऊंगा, वो उनके मृत्यु के लिए बोला जाता है। गया में एक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिन तक लगातार तप करने से इन्हें बोधिसत्व का ज्ञान हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब ये पीपल के वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे तब इन्होंने क्या किया कि भूखा भी रह के देखा, ठीक है, और कई प्रकार के और व्रत देखे। लेकिन इन्होंने एक बात जानी कि भूखा रहने से या फिर कोई व्रत रखने से क्या होता है कि मतलब आप अपने जीवन के ऊपर यानी कि आप अपने शरीर पर ही अत्याचार करते हैं। तो इन्होंने ये सब बातें जानी समझी कि किस प्रकार से क्या हो सकता है। फिर क्या हुआ कि वाराणसी के निकट पहला उपदेश सारनाथ में 5 पुराने साथियों को दिया जिसे ये धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखना जब यहां पूछा था कि जो वाराणसी में इन्होंने पहला उपदेश दिया था इसी को क्या कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बुद्ध को विमाता गौतमी कहते हैं, ठीक है उनका नाम क्या था विमाता गौतमी। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, आनंद जो थे वो क्या थे प्रिय शिष्य थे बुद्ध के, और इन्हीं के वजह से जो आपका वो है ना आनंद बौद्ध विहार, जो इनके धर्मशालाएं बनती है उनको बोलते हैं आनंद बुद्ध विहार, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम रखा था। वैशाली के नगर वधु अम्रपाली भी बुद्ध की शिष्य बनी। पूरे वर्ष में वर्षा ऋतु के अलावा घूम घूम कर वे अपने मत का प्रचार करते थे, यानी कि जब वर्षा ऋतु आती थी तब वो किसी गुफा में शरण ले लेते थे या किसी जगह पर ठहर जाते थे, लेकिन बाकी जो समय हुआ करता था सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो या किसी भी और समय हो तो ये क्या करते थे जगह जगह पर घूम घूम करके अपने मत को आगे बढ़ाने का, यानी कि अपने धर्म चक्र परिवर्तन या फिर जो धर्म है बुद्ध धर्म है या फिर जो अपना ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करने में लगे रहते थे। 80 वर्ष की आयु में मलल राज्य के पावा में स्वास्थ्य बिगड़ा और वह कुशीनगर में इनकी मृत्यु 483 ईश्वरपुर में हो गई। इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये बात ध्यान रखना जो महापरिनिर्वाण जो शब्द है ये किसको कहते हैं बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। इस शब्द को ध्यान में रखना, ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है।
जो स्तूप बने हुए वो महापरिनिर्वाण के प्रतीक कहलाते, जो आपने बुद्ध के स्तूप देखे होंगे जगह जगह पर, वो क्या कहलाते हैं? महापरिनिर्वाण के प्रतीक कहलाते हैं। तपस्या में कठोर साधना व काया कलेश को त्याग कर धम्म मार्ग अपनाया। इन्होंने क्या किया कि अपनी जो तपस्या की उसमें क्या किया, इन्होंने बहुत कठोर साधना की। अब कठोर साधना का मतलब ये नहीं कि भूखा प्यासा, ऐसा नहीं, ये मतलब जीवन को त्याग कर, यानी कि जीवन के सारे सुख साधन त्याग कर, क्योंकि भाई एक राजा बन सकते थे, अब राजा ना बनकर इन्होंने क्या किया, साधारण जीवन जीना शुरू किया, लोगों को साधारणतः समझाया, साधारण वस्त्र धारण किए, और इन्होंने इतना कहा कि जितनी आपको जरूरत है उतना ही वस्तुएं ग्रहण करो, ज्यादा वस्तुएं ग्रहण मत करो। तो इसी को बोला, एक प्रकार से इसको बोला गया काया कलेश, यानी कि जो आपका मतलब माया एक काया कलेश को भी इन्होंने त्याग दिया अपने। मध्यम मार्ग के सिद्धांत के लिए विश्व बौद्ध धर्म का ऋणी है, यानी कि पूरे विश्व में इन्होंने क्या दिया, मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत क्या कहलाता है, मान लीजिए कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, ये मान लीजिए व्यक्ति मैं बना रहा हूं यहाँ पर, इनको एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, इनका नाम है ए, ये है बी, मान लीजिए ये आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग क्या कहते थे, यानी कि बुद्ध क्या कहते थे कि आधी बात इनकी मान लो, आधी बात इनकी मान लो, और ये बीच का रास्ता, इसको कहते हैं मध्यम मार्ग, यानी कि एक बीच का रास्ता निकाल लो जिसमें दोनों का भला हो सके और दोनों सुखी सुखी अपना काम कर सके। तो इस कारण से ही बुद्ध को बोला गया कि ये शांति प्रिय व्यक्ति है और ये मध्यम मार्ग के प्रतिपादक भी है। साथ में इन्होंने प्रतीत सम उत्पाद बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत भी दिया। अब ये प्रतीत सम उत्पाद क्या है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, यानी कि अगर इंसान दुखी है तो दुख होने का भी कोई कारण होगा, और अगर इंसान सुखी है तो सुख होने का भी कोई कारण होगा। इस संसार में बिना किसी कारण के कोई घटना नहीं घट सकती, तो संसार की समस्त व्यवस्थाएं जो है वो किसी न किसी कारण से ही उत्पन्न हुई हैं, और वे उस कारण पर ही निर्भर करती, यानी कि कार्य कारण सिद्धांत भी इसको कई बार बोलते हैं। प्रतीत सम उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, कई बार कार्य कारण सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये शब्द है बड़े काम के हैं, यही एग्जाम में आकर पूछे जाते हैं। अब बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है वो देख लेते हैं। संसार दुखपूर्ण है, यानी कि दुख है, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, जैसे तृष्णा इच्छा मोह आदि अज्ञान सभी दुखों का मूल कारण होता है, यानी कि दुख है तो दुख का कारण है। यह बात ध्यान रखना, क्या बोला, बोला दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख के कारण को समाप्त करके दुख का अंत संभव है, यानी कि दुख निरोध, यानी कि पहले देखो दुख है, फिर क्या है, दुख का कारण है, अगर दुख का कारण तो दुख को समाप्त करने का इलाज भी है, ठीक है, ये तीसरा हो गया। और फिर क्या, दुख तथा अज्ञान के निवारण का उपाय अष्टांगिक मार्ग, यानी कि उसका उपाय भी है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक। तो यानी कि ये चार आर्य सत्य है, दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख का कोई निवारण है, और दुख का निवारण है तो दुख के बाद में आपको खुशी का रास्ता भी मिलता है। अब जो अष्टांग मार्ग है, एक बार इनको देख लेते हैं। अष्टांग मार्ग में साम्यक अर्थात समुचित तरीके से जीवन यापन करने के आठ तरीके उन्होंने बताया। इस बात को ध्यान रखना कि साम्यक का मतलब है समुचित तरीका एक प्रकार से, ठीक है। तो सारे जीवन को किस प्रकार से आप यापन कर सकते हो, ये कहते हैं साम्यक दृष्टि, यानी कि समुचित दृष्टि आपकी होनी चाहिए। साम्यक संकल्प, आपको एक संकल्प लेना होगा अपने जीवन को जीने के लिए। साम्यक वाक, आपको उस जीवन के संकल्प पे चलना होगा। सामक कार्यमता, यानी कि आपको उसमें कार्य करना होगा। सामक आजीव, आप उसमें आजीवन लगे रहें। सामक व्यायाम, यानी कि आप उसमें व्यायाम भी करें। और सामक स्मृति, आप उसका प्रतिपादन भी करें, स्मृति भी करें, उसको याद भी करें। और सामक समाधि, यानी कि आप उसमें समाधि भी लें। यानी कि कहते हैं कि आप केवल अपना एक टारगेट बनाओ, उसी टारगेट को आपको फॉलो करना है, जीवन भर आप सफलता निश्चित पा लोगे। तो उसी प्रकार से ये बोलते हैं कि आप जो भी करो उस सफलता को पाने के आपके आठ मार्ग हैं, ठीक। इसी आठ मार्ग को लेकर के कई बार बात हुई थी, अष्टांग मार्ग, यानी कि कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर पूरी तरह से बर्बाद करना है तो उसको आठ प्रकार से तोड़ दो, यानी कि उसके आठ प्रकार की चीज छीन लो, व्यक्ति खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। अगले लेते हैं, देखिए दस शील जिनका पालन करने से दुख नहीं होगा, यानी कि जो बौद्धिस्ट है वो कहते हैं कि आप इन दस प्रकार के कार्यों को अपना लो तो आपको कभी जीवन में दुख नहीं होगा। पहला कारण क्या चीज है, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचार्य, छठा है असम्य भोजन का त्याग, सातवा है सुखप्रद शया का त्याग,
नौवा है नृत्य संगीत और मादक वस्तुओं का त्याग, नौ उसके बाद सॉरी आठवां है नौवा है सुगंधित पदार्थों का त्याग, और दसवां है कुविचारों का त्याग। यानी कि अगर हम बात करें सत्य, यानी कि हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए, आस्ते किसी प्रकार के आपको लालसा नहीं रखनी चाहिए, आप परिग्रह यानी कि आपको ग्रह की इच्छा छोड़ देनी चाहिए कि भाई आप किसी प्रकार से ग्रह में ही रहना चाहते हो, असम्य भोजन का त्याग यानी कि आपको जरूरत से ज्यादा भोजन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, सुखप्रद शय्य की त्याग यानी कि आपको रहने के लिए यानी जीवन यापन को कहते हैं एक प्रकार से कि गद्दा मतलब गद्दा कि आपको बैठने लिए बिछोना चाहिए, गद्दा चाहिए, इस प्रकार का आपको चीजें नहीं चाहिए। नृत्य संगीत या मादक जैसे कि आप जाते हो ना, बहुत से लोग होते हैं कि जगह जगह जाकर ना डांस वहां देखते हैं, संगीत वंगीत सुनते हैं, या फिर शराब और आपका सेवन करते हैं, इन प्रकार के सेवनों का आपको परित्याग कर देना चाहिए। सुगंधित पदार्थों का त्याग यानी कि आप केवल सुगंध में रहना चाहते हैं, जैसे कि आप परफ्यूम लगाते हैं, फूलों में रहना चाहते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, तो नहीं, सुगंध है तो दुर्गंध भी है, आपको दोनों चीजों को अपनाना होगा। कुविचारों का परित्याग यानी कि आपके मन में कोई कुविचार नहीं आना चाहिए, भाई किसी को मार के खा जाऊं या किसी को पकड़ लूं या किसी को मारूं या कुछ भी प्रकार का कुविचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार की 10 बातें बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि इस प्रकार का अगर आप अपनाएंगे तो आप सुखी ज्यादा रहेंगे अपने जीवन में। इसके बाद बात करते हैं, बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म व क्षणवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म कहते हैं कि जो कुछ भी है कि पुनर्जन्म हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बौद्ध धर्म ये मानते हैं। साथ में कहते हैं क्षणवाद यानी कि जो भी चीज है वो हर क्षण के लिए है। क्षण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बिंदी बनाया यानी कि ये समय हो गया, यानी कि हर क्षण परिवर्तन है, इसको कहते हैं हर क्षण परिवर्तन है। आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि हर सेकंड, सेकंड का 16वां भाग, आप एक मूवी देखते होंगे तो मूवी में जो रिकॉर्डिंग होती है, रील की जो रिकॉर्डिंग होती है, वो क्या होती है, वो सेकंड के 16वें भाग में चलाई जाती है। यानी कि सोचिए जिससे कि आपको एक मूवी दिखाई देती है, ठीक है, कि पिक्चर चलती दिखाई देती है, यानी कि हर क्षण परिवर्तन है, छोटा छोटा पार्ट परिवर्तित हो रहा है, तो हर क्षण परिवर्तन है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। आत्मा की अमरता है, वेदों की अपुरुषता है, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करना, ठीक, ये कहते हैं आत्मा ही अमर है, वेद ही सर्वश्रेष्ठ है, और जो वर्ण व्यवस्था है उसको आप अस्वीकार कर दो। यानी कि वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं, जैसे वर्ण व्यवस्था में क्या आते हैं, जैसे बोलते हैं ब्राह्मण आपके हो गए, ठीक, फिर उसके बाद आपके क्षत्रिय हो गए, और फिर आपके क्या हो गए, ये क्या कहते हैं आपके वैश्य हो गए, और उसके बाद आपके शूद्र हो गए। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार का कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं होती, सभी के सभी मनुष्य जो धरती पे वो एक समान है और सभी की समान व्यवस्था की गई है। वैदिक कर्मकांड यानी कि वैदिक कर्मकांड पशु बलि व छुआछूतों का विरोध करते हैं। यहाँ पे एक और बात खास है, यहाँ पे लिखा ना पशु बलि, केवल ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को इसलिए अच्छा बताया था कि यहाँ पर पशु बलि जिसमें गो हत्या को भी नकारा गया था, कि गो हत्या किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी यहाँ पे बोला गया था, तो इसी कारण पर ब्राह्मण जो है वो बौद्ध धर्म को अच्छा मानते हैं। अन्यथा जब बौद्ध धर्म ने शूद्रों को जगह दी, वैश्यों को जगह दी, स्त्रियों को जगह दी, तब भी जो ब्राह्मण समाज था उन्होंने इनका परित्याग किया। ये बोले कि मैं देखो एक्चुअली ब्राह्मण समाज का मानना क्या था कि जो स्त्रियां हैं, क्या वो ब्राह्मण समाज की हो या किसी भी समाज की हो, वो भी किसी भी शुभ काम में बैठने योग्य नहीं है, ना ही बैठनी चाहिए, ठीक है, और ना ही उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन जब बौद्ध दार्शनिक जो थे उन्होंने इनको जगह दी, क्योंकि जैन दार्शनिकों ने भी कहा था कि अगर स्त्रियों को किसी प्रकार से मोक्ष चाहिए या फिर सुख चाहिए तो उनको पहले मरना होगा और फिर पुरुष की योनि में जीवन लेना होगा, तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म है सब धर्मों से अलग बात करता है। अतिशा एक बौद्ध भिक्षु थे, ये बात है ना, अतिशा क्या थे, वो एक बौद्ध भिक्षु थे, सरल आम जनता के प्रति उदार व नैतिक जीवन का सामर्थ्य होने से ज्यादा इन्होंने अपनाया क्या कि भाई हर जीवन के लिए यानी कि हर व्यक्ति के लिए एकदम उदार रहेंगे, नैतिक जीवन जिएंगे और सामर्थक रहेंगे। बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है, ये भी कई बार पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म की संगीतियां भी हैं कुछ, ठीक है, अब बौद्ध धर्म की संगीतियां कौन सी, देखो संगीत है, स्थान बता रहा हूं, समय बता रहा हूं, उसके अध्यक्ष हैं और यहाँ पे शासक भी हैं। देखिए प्रथम है संगीत राजगृह, ये 1883 ईसा पूर्व में गाया गया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप और इसके शासक थे यहाँ पे अजात शत्रु, तो इस बात को ध्यान रखना। द्वितीय कौन सी है, वैशाली है, वैशाली में गाया गया द्वितीय, 1383 ईसा पूर्व यानी कि पूरे 100 ईसा पूर्व के बाद की बात हो रही है। यहाँ थे आचार्य सर्वकामी और यहाँ पे ये काला शोक यहाँ पे शासक थे।
फिर तृतीय हुई थी ये पाटिल पुत्र में स्थान है और ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पे मोगली पुत्र तिस्से इसके अध्यक्ष है और ये अशोक के शासन काल में गाई गई थी। और चतुर है इसकी कुंडलवन, ठीक है, ये प्रथम शताब्दी की बात की जा रही है। यहाँ पे ये वसुमित्र है यहाँ पे अध्यक्ष और यहाँ पे जो शासक है वो कनिष्क है। तो यहाँ पे ध्यान रखना चार शासक बड़े इंपोर्टेंट है यहाँ पे, कौन से, एक तो अजात शत्रु, एक कालाशोक, एक अशोक और एक कनिष्क। इन चारों के टाइम में जो बौद्ध धर्म है इसके बारे में कुछ ना कुछ हुआ है। और जो स्थान है उसमें कौन से, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवलम है। और जो अध्यक्ष रहे वो महाकश्यप, आचार्य स्वामी, मंगेली पुत्र और वसुमित्र रहे हैं। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीत के पश्चात दो संप्रदायों में बट गया है, जो धर्म है दो संप्रदायों में बट गया। कैसे बटा, एक यहाँ पे निकल के आ गया कि हीनयान और एक निकल के आ गया महानयान। देखिए थेरवादी तथा स्थायीवादी ये हो गए परंपरागत नियमों के समर्थक हो गए, जो परंपरागत नियम चल रहे थे ये उसके समर्थक बन गया। दूसरा था महासांधिक या सर्वस्थितिवाद, ये विनय के नियमों में परिवर्तन के समर्थक हो गए, यानी कि जो कठोर नियम बनाए थे उसमें परिवर्तन कर रहे थे। इनको कई बार महान्यान और हीनयान में परिवर्तन किए परिवर्तित किया जाता है। अब देखो इसके बाद चतुर संगीत के पश्चात जो चौथा संगीत हुआ उसके पश्चात फिर ये दो भागों में बट गया। उसमें क्या हुआ, एक निकल गया हीनयान। अब हीनयान जिसकी मैंने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों ध्यान रखना, हीनयान और महानयान। इसमें क्या, रूढ़िवादी वे बौद्ध को महामानव मानने वाले लोग आ गए इसमें। जैसे बौद्ध धर्म ने कहा हमेशा कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान नहीं होता, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, इन्हीं को भगवान बनाने की बात कर ली यहाँ पर। और फिर क्या हुआ, इसके बाद वो बना महानयान। यहाँ पे क्या हुआ, भक्तिवादी बुद्ध को देवता मानने वाले बौद्ध सत्व, मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले लोग आ गए। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, पहले में बुद्ध को महामानव मान लेगी, बुद्ध एक महामानव था, वहां तक ठीक था, लेकिन वहां तक क्या था कि बुद्ध के सिद्धांत थे, यहाँ पे केवल बुद्ध के सिद्धांतों की बात की गई थी। लेकिन जो ये वाले हो गए महानयान वाले हो गए, इन्होंने क्या किया, बुद्ध की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करनी भी स्टार्ट कर दी। तो इस प्रकार से दो ग्रुप बन गए। तो याद रखना जो महानयान थे यहाँ पे मूर्ति पूजा, और जब मां से होती है मूर्ति और मां से होता महानयान, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। छठी शताब्दी में क्या हुआ, एक आया वज्रयान। इसमें क्या, तंत्र मंत्र में विश्वास रखा गया, ये तिब्बत, चीन, भूटान व बंगाल में बहुत प्रचलित हुआ। तो इसमें ध्यान रखना वज्रयान में क्या था, तंत्र मंत्र में खासतौर पर विश्वास रखा गया। फिर ये वैशाभिक, इसमें क्या है, स्वतांत्रिक, माध्यमिक यानी कि शून्यवाद और योगाचार, इसमें विज्ञानवाद की बात यहाँ पे की गई। ज्ञान को सजोए रखने से ज्ञान नहीं बढ़ता, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।